नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। मणिपुर एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच का विरोध करते हुए सेना के 383 जवानों और अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि पिछले 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई टाल दी थी। अब इस मामले में 4 सितंबर को सुनवाई होनी है। इससे पहले भी करीब 350 जवानों और अधिकारियों ने याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वाले जवानों और अधिकारियों की कुल संख्या 745 तक पहुंच गई है। बता दें कि इस याचिका पर जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। ये वही बेंच है जो मणिपुर में सेना के कथित फर्जी मुठभेड़ के मामलों की सुनवाई कर रही है। पिछले 14 अगस्त को जवानों और अधिकारियों की तरफ से वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा था कि ऐसे ऑपरेशन की सीबीआई जांच का आदेश देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐश्वर्या भाटी ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दे दिया था। याचिका में कहा गया है कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट से सेना को गड़बड़ी वाले इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान सुरक्षा मिली हुई है। अगर इन कार्रवाइयों में सेना की जांच सीबीआई करेगी तो उनके मनोबल पर असर पड़ेगा। याचिका में मणिपुर में कथित फर्जी इनकाउंटर मामलों की जांच के लिए सीबीआई जांच कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश